है मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तो विजी दिल दिया गल्ला स्टार्टिंग से जब चालू हुआ था तब से अब तक काफी कुछ ट्रैक चेंज हुआ, कहानी अप एंड डाउन, और जो कि आप और दारा जी जो है एक मुखिया है करके, तो क्या कहना चाहेंगे मतलब काफी अप एंड डाउन के बारे में? अप डाउन ये है कि पहले तो मान हमारा 25 साल हो गए थे, मान विदेश में था और संजोत कौर तरस रही थी उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि सरदार जी ने बंदिश लगा दी थी कि इतने नाराज़ थे वो मान से कि उन्होंने मुझे कसम ले ली थी कि मैं संजोत बीजी जो है वो बात नहीं करेगी मान से, तो वो बात भी नहीं हुई। फिर हमारी ज़िंदगी में बाहर आई जब पोती मेरी बड़ी पोती अमरीका से आती है और अचानक आती है और फिर खुलासा धीरे धीरे होता कि यही हमारी पोती है, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब प्यार और उम्मीद हमको बढ़ती है और उसकी वजह से वो इतना घर में प्यार और वो सब हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फिर वो मान और आस्था भी ऐसी सिचुएशंस बनती है कि वो लोग भी यहाँ आ जाते हैं। और राणा और ये निम्रत छोटी, मेरा छोटा बेटा और जो छोटी बहू है, जो वो लोग दिल्ली में रहते थे वो भी यहाँ आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी रौनक भी लग जाती है उसमें, खुशी भी होती है गम भी होती है, क्योंकि हमेशा कभी भी खुशी खुशी नहीं चलती साथ में, ना ही गम गम चलते हैं साथ में, तो ये अप डाउन हर एक की ज़िंदगी में होता है, कोई ये सोचे कि नहीं एक सी ज़िंदगी चाहे, वो तो रब ऊपर वाले ने ऐसा बनाया ही नहीं है, किसी के साथ भी नहीं बनाया, नहीं तो कब का ख़त्म हो जाना था इसमें, बच्चा तो फिर बच्चा ही, तो उसको कौन पालेगा? बेशक छोटी बहू और छोटा बेटा है, लेकिन फिर भी जो नाना नानी या दादा दादी रख सकते हैं वो मेरे ख्याल से रिश्ते, मतलब ये सब दूसरे रिलेशन थोड़े दूर के हो जाते हैं। बच्चे को देख के अमृता की कितनी याद आती है कि मतलब उसके कितने गुण, या बच्चे की मतलब अमृता की एक छवि है बच्चे के अंदर, हाँ छाई, तो कितनी याद आती है, कितना आप मिस करते हो जब जब बच्चे कोई खुशी मोमेंट हो या गम का मोमेंट? बिल्कुल, हम तो चिपट गए, मतलब हम पागल हो गए हैं सब लोग, पूरा घर पागल हो जाए, इवन राणा भी निम्रत भी, हम सब उसके लिए, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इतना ज़्यादा मतलब सब दीवाने हैं, क्योंकि अमृता बहुत प्यार छोड़ के गई। और देखिए ये बात मैं एक बहुत अच्छी बोलूँ, मतलब आप लोग समझ लें, हमारी जो करनी होती है, माँ बाप जब जिसके अच्छे होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा रुलते नहीं हैं, मतलब उनको सहारा मिल जाता है, जिनके साथ भी उन्होंने अच्छा क्यों कर, अरे इसके माँ बाप तो अच्छे थे ना, तो बच्चे जिनकी जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते फिर उनके बच्चे उनके बाद कोई उनको पूछता नहीं है, भले ही वो बच्चा कितना भी अच्छा हो। और अगर माँ बाप अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सबके साथ रिश्ता रख के गए होते हैं, और जब वो चले जाते हैं बच्चा कितना भी बुरा हो लेकिन हर कोई कोशिश करता है, नहीं उसका बाप अच्छा था, हमारे साथ अच्छा था, माँ अच्छी थी, तो कोशिश करता है उसकी हेल्प करने की किसी भी तरीके से, उसकी कोशिश रहेगी वो अलग बात है कि बाद में फिर वो लंबा ना चले, लेकिन शुरू में ज़रूर ऐसी बात होती है। ये आपको जैसे मैं कुछ अच्छा करूँगी तो मेरी करनी मेरी बच्ची को मिलेगी, ये आप मतलब मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है। लास्ट में जाते जाते आप दारा जी और बच्ची एक मोमेंट कर रहे हैं, एक हैप्पी मोमेंट, और कुछ बातें कर रहे हैं क्या ऐसी? हाँ, क्योंकि वो बच्ची कभी कभी अपने बाप को लेके उदास होती है, कभी अपने नाना को लेके उदास होती है, क्योंकि नाना का जो करेक्टर है वो जो ऐसे है कि वो स्ट्रिक्ट हो गए एकदम, बच्ची को प्यार करते हैं लेकिन बहुत डिसिप्लिन वाले कि मतलब इतना ज़्यादा वो होता है कि ये यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए, घर पर रहे, कहीं अमृता की तरह, जैसे अमृता झूठ बोल बोल के चली गई थी, अमृता भी उस समय
बिना बताए वो इंडिया आई थी, बिना बताए वो चली गई थी निमरत को, मेरी छोटी बहू को लेके, तो वो तभी एक्सीडेंट हुआ। तो उसको ये होता ना, एक वहम सा बैठ जाता है, तो वो ज़्यादा वो हो गया है, स्ट्रिक्ट हो गया बच्ची के लिए कि इसको पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए, इसको खाना मतलब टाइम से मिलना चाहिए, उस टाइप से थोड़ा फिर वो भी ज़्यादा डिसिप्लिन भी बच्चों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उस टाइप के हो गए। और वीर जो हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके के हो गए हैं, वो बस यादों में ही उसके चले गए हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, वीर में और मान में। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.